सो गाइस, फाइनली जो हमारा फ्लैशर मॉड्यूल है वो आ चुका है। डिलीवरी के टाइम मैंने जो सील था वो खोल लिया था चेक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलता है। सो पहले ही हमारा जो मॉड्यूल है वो हमें दिखने को मिलता है। ये है वो पीस, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिलता है। यहाँ पर हमें एक 66 BHP का स्टिकर मिलता है और उसके साथ एक बिल मिलता है। मैं बिल आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि फ़ोन नंबर वगैरह है, और हमने इसको मंगवाया था LRL मोटर्स से। सो चलिए आपको अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हम लोगों को। और एक चीज़ डिलीवर के समय बिल्कुल से देख लेना, यहाँ पर जो मॉडल है वो मॉडल लिखा हुआ रहता है। लाइक ये एप्रिलिया SXR 160 के लिए है। जो SR 160 के लिए है वो कुछ अलग दिखता है। जो जिस गाड़ी का आप ले रहे हो उसका नाम यहाँ पर ज़रूर से अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो पहले हम सबसे पहले हमको ये मॉड्यूल मिलता है जो SXR 160 का बैकलाइट का जो कपलर है वहाँ पर हमको ये सेट करना पड़ता है। ये रहा वो बड़ा वाला कपलर, ये वायरिंग हार्नेस जैसा है। और उसके अलावा हमें जो मेन मॉड्यूल है फ्लैशर मॉड्यूल वो मिलता है। सो मेरे पास जो फ़िलहाल ट्राईपॉड नहीं है इसलिए मुझे एक हाथ से ही अनबॉक्स करना पड़ रहा है। ये रहा वो कवर। और अच्छा, हमें इसके अंदर जो स्टिकर है फ्लैश एक्स का वो भी मिलता है। ये रहा वो स्टिकर, नहीं स्टिकर नहीं है, अरे यार स्कैम हो गया, ये स्टिकर नहीं है, ये असल में इंस्ट्रक्शन है। मैंने सोचा कि स्टिकर दे रहे हैं, गलत यार। वो नहीं, स्टिकर भी है, स्टिकर इसके अंदर था, मैं भी कैसा अंधा हूँ। ये रहा स्टिकर और मेन्यू लिख निकल जा भाई, ये तो टूट ही गया बक्सा, निकल भी जा। फाइनली बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद निकल चुका है। तो ये रहा मेन मॉड्यूल। जो ये मॉड्यूल है वो हर जगह हर पीस लाइक सब फ्लैश एक्स में मॉड्यूल जो है वो सेम ही रहता है, चेंज होता है सिर्फ ये हार्नेस। ये हार्नेस का जो कपलर है वो सिर्फ चेंज होगा, बाकी मॉड्यूल वगैरह सब सेम रहेगा। और एक बात जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो बिल है और जो बॉक्स है वगैरह सब ध्यान से रखना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि 2+1 ईयर का वारंटी मिलता है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को बिल खो जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग वारंटी क्लेम नहीं भी कर सकते हो। और एक और चीज़ नोट करना है कि आप लोगों को यहाँ पर टैग में दिख जाएगा ये एप्रिलिया का है और ये किस मॉडल का है, पीछे मॉडल भी लिखा हुआ रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ SXR 160 के लिए है। और एक बात जो आप लोगों को मैं बताना भूल गया था वो ये है कि इसका मैनुअल जो है उसको अच्छे से आप लोगों को एक चीज़ चेक करना है, वो ये है कि अरे खुल जा भाई, कैसे टॉगल करना है ये चीज़। लाइक सिमटेक में जो सिस्टम है वो राइट लेफ्ट राइट सेंटर करोगे आपका फ्लैश एक्स सही लाइक फ्लैशर ऑन हो जाएगा, राइट सेंटर या लेफ्ट सेंटर करोगे ऑफ हो जाएगा। और फिर से ऑन करना है तो राइट लेफ्ट सेंटर, मोड चेंज करना है तो राइट लेफ्ट सेंटर या लेफ्ट राइट सेंटर, बहुत ईजी है। पर इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो पहले शुरू कर रहा है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको राइट लेफ्ट राइट सेंटर करना पड़ेगा, पैटर्न चेंज करने के लिए आप लोगों को राइट सेंटर या लेफ्ट सेंटर करना पड़ेगा नेक्स्ट या प्रीवियस में जाने के लिए, और जो बंद करने के लिए और सेव करने के लिए राइट लेफ्ट राइट सेंटर करना पड़ेगा। ये बहुत लोग भूल जाते हैं, अच्छे से कर नहीं पाते, इंडिकेटर लेके टॉगल करते ही रहते पर वो ना टर्न ऑन होता है, आई मीन लड़की नहीं फ्लैश एक्स ना ऑन होता है
ना ही चलता है। सो इसलिए इसको ध्यान से दिमाग में घुसा लेना ज़रूरी होता है। और गाइस यहाँ पर हम लोगों का काम शुरू हो चुका है। पहले ग्रैब हैंडल को खोलना पड़ेगा, उसके बाद एक एक करके बाकी नट्स निकालने पड़ेंगे। इस कवर के नीचे एक स्क्रू रहता है, उसको उतारना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। एलन की बोल्ट्स रहते हैं, इसको आपको खोलने के बाद ग्रैब हैंडल खुल जाएगा। बस इतना सा प्रोसीड्योर है। उसके बाद यहाँ पर एक कपलर रहता है बैकलाइट का, इस कपलर को खोल के वो मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, और मॉड्यूल लगाने से फ्लैश एक्स इंस्टॉल हो जाएगा। और ये रहा हमारा फ्लैश एक्स का मॉड्यूल, इसका कपलर सिर्फ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, उससे काम हो जाएगा। कोई भी BS6 गाड़ी में कपलर टू कपलर फिटिंग्स ही लेना चाहिए, क्योंकि BS6 गाड़ियों में सेंसर का बहुत झमेला रहता है। सो वायर कटिंग के वजह से बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मेरे स्कूटर में आया है। मैंने इससे पहले एक सिमटेक का यूनिवर्सल फ्लैशर मॉड्यूल लगवाया था, उसके लिए वायर कटिंग का ज़रूरत होता है। आप कपलर टू कपलर भी कर सकते हो, पर वायर कटिंग से अच्छे से फिटिंग हो जाता है। मैंने उसको लगवाया था, इसके वजह से जो वायर कटिंग हुआ था वो अभी प्रॉब्लम कर रहा है, उसको फिर से स्टॉप करना पड़ा। मैंने फ्लैश एक्स के लिए भी ट्राई किया था, पर तब SXR160 का मॉड्यूल नहीं था, सिर्फ SR160 का था, और SR160 का मॉड्यूल और इसका मॉड्यूल अलग अलग होता है। सो उसको रिटर्न करके मुझे फिर से बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद ये मिला। और यहाँ पर हमारा फ्लैशर ऑन हो चुका है, पीछे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और ये रहा वो फ्लैशर मॉड्यूल, यहाँ पर आपको इंडिकेट भी करता रहेगा ये इंडिकेटर लाइट से कि किस मोड पे है। और ये एक बैकलाइट फ्लैश होने का मोड है। हम कुछ ऐसे इस कपलर्स को और इस मॉड्यूल को इस प्लास्टिक के पार्ट के अंदर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर गैप है, पर आपको अच्छे से रखना पड़ेगा वरना गड्ढों में आवाज़ करेंगे। हमने कुछ इस तरीके से रखा है उसको, इसके अंदर है वो मॉड्यूल और यहाँ पर है वो कपलर्स, और इसको डाल के सिर्फ ये दो स्क्रू लगाने से ये भी फिट हो जाएगा। और गाइस फ्लैश एक्स को आपको एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट राइट सेंटर। यहाँ पर फ्लैश एक्स एक्टिवेट हो चुका है, अभी कुछ ऐसा मोड है। नेक्स्ट मोड में जाने के लिए आपको राइट सेंटर करना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए आपको लेफ्ट सेंटर करना पड़ेगा। और ऑफ करने के लिए फिर से राइट लेफ्ट राइट सेंटर करना पड़ेगा, और ये ऑफ हो चुका है। फ्लैशर काम करते हुए कुछ ऐसा दिख रहा है। और गाइस यही
ही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने एप्रिलिया वाले दोस्त को भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।